हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, आप सभी का पीएफई क्लास में स्वागत है। एंड सभी लोग जल्दी से आ जाइए, कम फास्ट अपनी क्लास को स्टार्ट करें। आप सभी लोग जानते हैं ना कि आपका डेली शाम को 7 बजे क्लास हो रही है, और इसमें आपका जो राकेश गोस्वामी का प्रैक्टिस सेट है, जो राकेश गोस्वामी का प्रैक्टिस सेट है पार्ट 2 वाली जो बुक, उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, आज हमारा 7वां प्रैक्टिस सेट है, और इसके पहले हमने 6 प्रैक्टिस सेट पूरे कंप्लीट पढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो जिसने नहीं पढ़े हैं तो हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हैं। ठीक है, इसके पहले के 6 पूरे हमने पढ़ा दिए हैं। ठीक है, और जो 7वां है वो आज हम करवाने वाले हैं। और इसके पहले जो राकेश गोस्वामी की एक और बुक थी पार्ट 1 वाली, उसको भी हमने पूरा पढ़ाया हुआ है, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ऐसे ही राशि रस्तोगी की बुक है, उसको भी पढ़ाया हुआ है, उसकी भी बनी हुई है प्लेलिस्ट। ठीक है, तो सभी को जाकर अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए जल्दी से आ जाइए, फिर अपनी क्लास को स्टार्ट किया जाए बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। चलिए आइए, सभी लोग फटाफट से आएंगे और एक बार कंफर्म करेंगे कि क्या हमारी ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है। सभी लोग कमेंट करेंगे कि क्या हमारी ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर आ रही है आप सभी को। हाँ, चलिए सभी लोग उपस्थित हो रहे हैं हमारे सामने, वेरी गुड। क्लास को शेयर वगैरह भी कर दिया करिए आप लोग। ठीक है, हाँ, चलिए आवाज कंफर्म है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए, वेरी गुड। चलिए, मैम आवाज थोड़ी सा तेज कर दिया करिए प्लीज। अच्छा, मतलब अभी आवाज क्लियर नहीं है क्या? सच में आवाज अभी भी क्लियर नहीं है, या फिर अभी भी तेज करनी चाहिए हमको, बताइए। कभी कभी ऐसा होता है कि रिकॉर्डेड क्लास में माइक तो मतलब कनेक्ट होता है, लेकिन लगाना हम भूल जाते हैं, क्योंकि लाइव में तो बन जाता है, लगा लेते हैं, उसमें ध्यान रहता है, लेकिन उसमें कभी कभी उसमें नहीं हो पाता है। ठीक है, आवाज़ थोड़ी कम है। अच्छा, आवाज़ थोड़ी कम है, अब क्लियर है? आप क्लियर है ना? चलिए, हाँ, चलिए सभी लोग आ चुके हैं। चलिए दो चार लोगों के नाम लेते हैं, फिर अपनी क्लास को एकदम धमाकेदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ, चलिए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं आर्ट एडिसनो भी है, और कमल नारायण, बीना, गोल्डी, रेखा रानी है, प्रेमलता, अनु पासवान, प्रेमलता सुमन, रिया जायसवाल, और आरती यादव हैं, वर्षा त्यागी हैं, संगीता, चलिए काफ़ी लोग हैं, प्रिंस राजकुमार हैं। चलिए सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बबीता जी भी आ गई हैं, चलिए, वेरी गुड, सभी को गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं, और आज जो हमारा मॉडल पेपर है वो कौन सा प्रैक्टिस सेट है? आज हमारा प्रैक्टिस का जो नंबर है वो है 7th नंबर। ठीक है, तो इसके पहले जितने करवा दिए हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हाँ, चलिए तो शुरू करते हैं। ठीक है, हाँ, चलिए, क्वेश्चन फर्स्ट है आपके स्क्रीन पर, पूछा जा रहा है, जिन फरिश्तों की कोई परिकथा नहीं, एंजल्स विदाउट फेरी टेल, ये श्रृंखला है एक, इसके अंतर्गत लीनोकट माध्यम से देश के बाल श्रमिकों का किसने मार्मिक चित्रण किया है? सोमनाथ कौर, एम एफ हुसैन, एस एच राजा, चित्र प्रसाद, बताइए इसका आंसर क्या होगा फर्स्ट का? करेंगे सभी? चलिए, वेरी गुड। फरिश्तों की कोई परिकथा नहीं, एंजल फेरी टेल आंसर होगा आपका, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये है चित्त प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, विश्व
ही 2700 वर्ष पुराना है। बताइए विल्होनियर गुफा में, अल्टामीरा गुफा में, लास्को गुफा में, लीमा पेरू की गुफा में। सेकंड का क्या होगा? पोर्ट्रेट चित्र पूछा है विश्व का प्राचीनतम। वेरी गुड, आंसर करेंगे सभी, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है विल्होनियर गुफा में। ठीक है, कल संडे है तो सभी को मालूम होना चाहिए कि संडे को कल इसी टाइम शाम को 7 बजे 4 घंटे की महामैराथन है, तो आपको 4 घंटे की महामैराथन में जुड़ना है, सभी को जुड़ना है, शाम को 7 बजे आ रही है। ठीक है, संडे महामैराथन है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल इसके मतलब किसके चित्रकार भाई हैं? बहुत बार पढ़ चुके हैं, हर मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बताना है। थर्ड का क्या होगा? शाबाश, देखते ही आंसर आपने लगा दिया है, बहुत सही, ऑप्शन बी ये है सतीश गुजराल आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रश विद लाइफ नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, ये किसके ऊपर बनी है? बताइए एम एफ हुसैन, सतीश गुजराल, बीसी सान्याल। क्या हो जाएगा आंसर बताएंगे सभी लोग? थर्ड नहीं, फोर्थ का है। हाँ आंसर बिल्कुल सही दे रहे हैं, आपने बिल्कुल सही दिया है, वेरी गुड। हाँ आंसर है आपका, चलिए अब सही आंसर क्या है, ब्रश विद लाइफ पूछा है, आंसर बिल्कुल सही दे रहे हैं आप लोग। हाँ सही है, ऑप्शन बी ये सतीश गुजराल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रथम त्रिनाले जो कि 1968 ईस्वी में होता है नई दिल्ली, स्वर्ण पदक किस कलाकार को प्राप्त हुआ था? बताइए तैयब मेहता, और पदम सिंह, जहांगीर साबावाला, होमी पटेल। फिफ्थ का क्या होगा आंसर? वेरी गुड, स्वर्ण पदक पूछा गया है प्रथम त्रिनाले का, तो आंसर आपका बिल्कुल सही है, तैयब मेहता होगा आंसर। नेक्स्ट अभिव्यंजनावादी शैली का प्रमुख तत्व पूछा है, क्या होगा सिक्स का? सभी बताएंगे, हाँ बताइए, हाँ गिरते शरीर के लिए, वेरी गुड अनुपम यादव, वेरी गुड। सिक्स का बताइए क्या होगा? अभिव्यंजनावादी शैली पूछी है, ऑप्शन सी विकृत रूप। नेक्स्ट घनवादी विचारधारा में चित्र वस्तु को मानते हैं, प्रकाश, रंग, ठोस रूपाकृति, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सेवेंथ में? चित्र वस्तु को मानते हैं ठोस रूपाकृति हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट कौन सा कलाकार घनवाद से प्रभावित नहीं है? जॉर्ज की, जहांगीर साबावाला, रामकुमार, सरोज मुखर्जी। बताइए एट्थ का क्या है आंसर? घनवाद से प्रभावित कौन नहीं है? आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन डी होगा सरोज मुखर्जी, बाकी तीनों आंसर करेक्ट होंगे। आगे ऑफसेट कलर प्रिंटिंग के 4 कलर बताइए क्या है आंसर? नौवें का क्या होगा? सभी लोग बताएंगे, आपको ट्रिक भी बताई थी, सियान, मेजेंडा, येलो, ब्लैक, सिमे, एम। ठीक है आगे नेक्स्ट है पिकासो को घनवादी चित्रण की प्रेरणा सर्वाधिक कहाँ से मिली है? अरेबियन मूर्तियों से, ग्रीक मूर्तियों से, सेजा के चित्रों से, इनमें से कोई नहीं। हाँ ऑप्शन ए होगा, ये है अरेबियन मूर्तियों से। ठीक है आगे उस ब्रिटिश चित्रकार का नाम बताइए जिसकी सहायता से नंदलाल बोस ने अजंता चित्रों की अनुकृतियां तैयार की थी। डैनियल विल्सन, लेडी हरिंगम, चार्ल्स ग्रियार्ड या फिर कॉन्स्टेबल। नंदलाल बोस का नाम आ रहा है प्रतिकृतियों के लिए, अनुकृतियों के लिए, आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ये है लेडी हरिंगम। ठीक है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शिव का विस्पान और उमा की तपस्या जैसी प्रसिद्ध कृतियों का निर्माण करने वाले कलाकार कौन से हैं? बताइए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होगा? ए एन टैगोर हैं, एन एल बोस हैं, जी एन टैगोर हैं या फिर ए के हल्दार हैं? क्या होगा आंसर? वेरी गुड, ऑप्शन बी ये नंदलाल बोस हैं, याद रखना है दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है पुस्तक शिल्प कथा का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1935, 40, 44,
बताइए, सभी लोग करेंगे आंसर। शिल्प कथा का प्रकाशन वर्ष पूछा है। पहली बार पुस्तक किसकी है? नंदलाल बोस की है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा, 1944। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। लखनऊ, फैजपुर आदि के भारतीय कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल की कलात्मक सज्जा बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत इजी क्वेश्चन है और इतने बार पढ़ चुके हैं कि इसमें टाइम वेस्ट है। ऑप्शन ए नंदलाल बोस। टाइम बता दीजिए, ये आपसे पूछ रहे हैं हम इसके बदले, बताइए टाइम कब का है। ये पूछा जा रहा है हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु क्या थी, बताइए क्या होगा। हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु क्या थी? 15। हाँ चलिए आ जाइए जल्दी से, हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु पूछी है आपसे, आंसर करिए सभी, इतना स्लो है। हाँ वेरी गुड, शाबाश। चलिए आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है भारतीय ग्राम में जीवन। ठीक है, 1937 से हो जाएगा, क्या है 1937 है ये पंडाल वाला, ठीक है सज्जा वाला। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट है रविन्द्रनाथ टैगोर ने चित्र रचना किस आयु में प्रारंभ किया है? 50 वर्ष, 70, 60, 68, बताइए। और क्लास अगर थोड़ी सी भी पसंद आया करे तो लाइक वाइक करते रहा करिए आप लोग, ठीक है हम कहते नहीं हैं लेकिन आप लोग थोड़ा सा अपने आप से करते रहा करिए। ठीक है, बताइए रविन्द्रनाथ टैगोर ने चित्र रचना किस आयु से प्रारंभ की थी? इन्होंने ये लगभग 68 वर्ष के थे तब इन्होंने स्टार्ट की थी। ठीक है, नेक्स्ट है कला भवन शांति निकेतन के प्रथम अध्यक्ष का नाम पूछा जा रहा है। अवनींद्रनाथ टैगोर, असित कुमार हल्दार, नंदलाल बोस, मुकुल चंद्र डे, क्या होगा 17। हाँ आंसर की बात करेंगे, यहाँ के प्रथम अध्यक्ष पूछे हैं, आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, नंदलाल बोस। ठीक है, जैसा कि आप लोग बढ़िया आंसर दे रहे हैं, शाबाश, आप लोग सच में होशियार हो गए हैं। हाँ चलिए आगे चलते हैं, शांति निकेतन, हाँ हरिपुरा पैनल जो है 1937-38 में किए थे। ठीक है, हाँ शांति निकेतन के मूर्तिकला विभाग के प्रथम छात्र और प्रथम अध्यापक का नाम क्या है? देवी प्रसाद राय चौधरी, राम किंकर बैज, प्रोफेसर शंकु चौधरी, धनराज भगत, बताइए क्या होगा 18 का, क्या होगा। चलिए ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रथम छात्र और प्रथम अध्यापक दोनों बहुत इन चीजों को ना बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये फर्स्ट लास्ट वाला सिस्टम जो होता है ना बहुत पूछा जाता है, यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है। भारतीय चित्रकला की आधुनिक महिला चित्रकार किस कौन मानी जाती है, बताइए, ये भी बहुत बार पढ़ा चुके हैं। भारतीय चित्रकला की प्रथम आधुनिक महिला कौन मानी जाती है? हाँ चलिए वेरी गुड, आधुनिक महिला चित्रकार पूछा जा रहा है, आंसर होगा अमृता शेरगिल। ठीक है, याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। निम्नलिखित में से अमृता शेरगिल का चित्र कौन सा नहीं है? 3 कन्याएं, यात्रा का अंत, पर्वतीय महिलाएं, भारतीय माँ, हाँ वेरी गुड, बताइए 20 का क्या होगा आंसर। अमृता शेरगिल का जो चित्र है वो कौन सा नहीं है इन तीनों में, मतलब तीन तो हैं इतना कंफर्म है, देखिए 3 कन्याएं, पर्वतीय महिलाएं, भारतीय माँ, ये तीनों किसके हैं? अमृता शेरगिल के हैं, बाकी जो बचा वो नहीं होगा, कट्टम जीरो लगाओ। आगे मोनालिसा हंस रही थी, बताइए ये किसकी पुस्तक है, बुक पूछी जा रही है आपसे 21। हाँ आंसर की बात करेंगे, मोनालिसा हंस रही थी ये है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ये है अशोक भौमिक। ठीक है, हाँ वेरी गुड, शाबाश, आंसर आप लोग बढ़िया देते हैं। पूछा जा रहा है यामिनी राय, हाँ यात्रा का अंत, अवनींद्रनाथ टैगोर, बहुत सही अनुपम जी, बहुत सही, शाबाश, बताइए यामिनी राय फर्स्ट महिला चिराका जाने क्या लिखा। चलिए पूछा जा रहा है यामिनी राय की उपलब्धि बताना है किस रूप में है, लोक कला, अमूर्त कला, तांत्रिक कला, इनमें से कोई नहीं, बताइए 22। हाँ यामिनी राय का उपलब्धि जो है पूछा जा रहा है,
क्या है 22 का? हाँ वेरी गुड, ऑप्शन है, ये लोक कला के लिए फेमस है, ठीक है याद रखना है। नेक्स्ट है पुनरुत्थान कालीन चित्रकारों में सर्वश्रेष्ठ सबीहकार कौन था? यामिनी राय, अवनींद्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल, अयोध्या सिंह। आप लोग ऐसे ही बढ़िया रिप्लाई देते रहा करिए, ठीक है। हाँ पॉप आर्टिस्ट है, वेरी गुड। हाँ हाँ आधुनिक क्वेश्चन में ना आधुनिक पूछा गया था, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा आप लोगों को। 23 का बताइए, सर्वश्रेष्ठ सबीहकार कौन था? आंसर होगा यामिनी राय आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्रभाववादी दृश्य चित्रण किया है किसने? यामिनी राय ने, रणवीर सिंह बिष्ट ने, MF हुसैन ने, सभी किसने किया है? सभी लोग बताएंगे 24। आज सच में आप लोगों का जो रिप्लाई देख रहे हैं सच में बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि आप लोग भी एकदम एक्टिव हैं, जैसे ही क्वेश्चन आता है आप उसका डिटेल भी साथ में दे रहे हैं। हाँ ऑप्शन डी होगा कि रणवीर सिंह बिष्ट, यामिनी राय, MF हुसैन, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है पिकासो का अंतिम चित्र कौन सा है? हाँ बताइए, तीन नर्तक, अभिनयो की स्त्रियां, ग्वेर्निका, पाए पीने वाला लड़का। हाँ क्या होगा आंसर? पिकासो का अंतिम चित्र कौन सा है? 25 पिकासो का अंतिम पूछा जा रहा है, आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही ऑप्शन सी, ये है ग्वेर्निका। बताइए, पूछा जा रहा है कोलाज पद्धति का आविष्कारक कौन था? मम्मी ने सब्जी छौंक दी है बहुत भयंकर तरीके से, खांसी आ रही है। बताइए कोलाज पद्धति का आविष्कारक कौन था? ब्राक, ब्राक, पिकासो, मुंक, डॉली। 26 वेरी गुड, शाबाश। 26 आंसर क्या होगा? कोलाज पद्धति का आविष्कारक कौन है? ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रॉक, ठीक है वेरी गुड। नेक्स्ट है रेनेसा के प्रारंभ में चित्रकला में किसने परिप्रेक्ष्य के प्रयोग की शुरुआत की है? पाओलो उचेलो, बोटिचेली, जियोटो, मसाचियो। क्या होगा आंसर? हाँ 27 ऑप्शन डी, मसाचियो, ठीक है आगे चलते हैं। नेक्स्ट पर मोना पूछा जा रहा है, मोने के किस चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क करिए। बताइए 28 प्रभाववाद का जो नाम पड़ता है वो किस चित्र के आधार पर पड़ता है? हाँ वेरी गुड, ऑप्शन सी होगा, यह है सूर्योदय का प्रभाव, ठीक है। आगे बताना है रेनबो पैलेट किस शैली को कहा जाता है? प्रभाववाद, अभिव्यंजनावाद, घनवाद, यथार्थवाद। हाँ रेनबो पैलेट पूछा है, आंसर होगा ऑप्शन ए, ये है प्रभाववाद। नेक्स्ट, अति यथार्थवादी शैली की विशेषता क्या है? यथार्थ चित्रण, स्वप्न चित्रण, सृजनात्मक चित्रण, लावण्य युक्त चित्रण। 30 का बताइए। हाँ अति यथार्थवादी पूछा है, आंसर होगा यहाँ पर हमें स्वप्न चित्रण मिलते हैं, ठीक है। आगे सर्वाधिक अति यथार्थकार कौन है? जे स्वामीनाथन, विकास भट्टाचार्य जी, KS कुलकर्णी, MF हुसैन। क्या होगा बताइए? फर्स्ट पूछा जा रहा है, 31 का है, सर्वाधिक पूछा है, ऑप्शन बी होगा, ये है विकास भट्टाचार्य जी, ठीक है। बताइए, ये तो कोई नहीं भूल सकता है, बिल्कुल सही है, अपने वही है अमिताभ बच्चन, मर्द को कभी दर्द नहीं होता, वही वाले। आगे विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? भागलपुर जिला बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है। विक्रमशिला बहुत सिंपल है, बताइए। 33 हाँ आंसर है आपका बिल्कुल सही, ये अपने बिहार में है, याद रखना है, ठीक है। अच्छा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, किसी को मालूम है? बताओ जल्दी से विक्रमशिला विश्वविद्यालय के। नेक्स्ट है यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, वेनसांग, समुद्रगुप्त, कनिष्क। किसके टाइम पे आया था? 34 मेगस्थनीज पूछा है, सिंपल सा है, ये है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। हाँ वेरी गुड, शाबाश, अन्वेषक बिल्कुल सही है आपका। क्या होगा? विक्रमशिला जो है इसको धर्मपाल ने स्थापित किया था, याद रखना है, ठीक है।
नेक्स्ट है, भारत में मुस्लिम कला का गहना माना जाता है मोती महल, ताजमहल, दीवाने खास, लाल किला। मुस्लिम कला का गहना पूछा है आपसे, वही है। हाँ, शाबाश, वेरी गुड, पहचान गए। मुस्लिम कला का गहना यही है, ताजमहल ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे, सप्तपर्णी गुफा कहाँ पर है? नालंदा में है। अच्छा, जल्दी से बताओ, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? राजगीर है या फिर वैशाली है या फिर श्रावस्ती है? 36, सप्तपर्णी गुफा। हाँ, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी होगा, ये है राजगीर। ठीक है, आगे चलते हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? बिहार शरीफ, सोनपुर, पटना, सासाराम। शेरशाह सूरी मकबरा, ये तो बिल्कुल सिंपल है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। शेरशाह मकबरा कहाँ है? सासाराम में है। हाँ, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, देवी देवताओं, राजा रानियों और सुंदर नारी शरीर के चित्रणों से देवी देवताओं, राजा रानियों और सुंदरी नारी शरीर के चित्रणों से बोझिल और ऊब भरे भारतीय चित्रकला के इतिहास में पहली बार किसने आम आदमी को स्थान दिया? बताइए क्या हो। हाँ, वेरी गुड, कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। वेरी गुड, सूरज कटारिया, वेरी गुड, शाबाश। इसका बताइए क्या होगा, 38 का? हाँ, ऑप्शन ए होगा, ये है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, गुलाबी नगर की संज्ञा किसको दी जाती है? तो ये तो बहुत सिंपल है, आप लोग सबको जानते हैं, जयपुर को। ठीक है, पिंक सिटी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी चित्रकला में फोटो यथार्थवाद का प्रदर्शन है? विवान सुंदरम, विकास भट्टाचार्य जी, बताएंगे सभी स्पीड में थोड़ा। चलिए, हाँ, आंसर की बात करते हैं। फोटो यथार्थवाद का प्रदर्शन पूछा है, हाँ बिल्कुल सही है, विकास भट्टाचार्य जी, बहुत सही, बहुत अच्छा आंसर आप लोग कर रहे हैं। बताइए महेश मूर्ति कहाँ पाई जाती है? बहुत सिंपल है, गलत नहीं करेगा कोई भी अपने, कहाँ पर? ये एलिफेंटा गुफा में। ठीक है, एलिफेंटा में। नेक्स्ट है, दक्षिण में वास्तुकला की द्रविड़ शैली का सूत्रपात किसने किया है? क्या होगा, 42? दक्षिण में द्रविड़ शैली का जो सूत्रपात किया है वो किसने किया है? देखिए, डेली जो क्लास ले रहे हैं ना, हमारी जो डेली क्लास ले रहे हैं, उनका सिलेक्शन देखिएगा पक्का है, क्योंकि जितना भी हम आपको पढ़ा रहे हैं एकदम बिल्कुल सिलेक्टेड चीज़ें आपको मिल रही हैं इधर पे। ठीक है, बिल्कुल यहाँ टाइम वेस्टिंग नहीं है। अगर आप यहाँ पर 10 मिनट भी दे रहे हैं तो 10 मिनट आपका पूरा वसूल है, क्योंकि 10 मिनट में हो सकता है हम आपको इतने क्वेश्चंस करवा दें, मतलब आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल। क्या हो गया, नेटवर्क का प्रॉब्लम है क्या? चलिए आंसर की बात करते हैं। हाँ ठीक है, ऑप्शन ए ये है पल्लवों ने। ठीक है, आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा कि क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट हो रही हैं क्लासें या फिर नहीं। ठीक है, अगर आप लोगों को पता होगा। बताइए कौन स्पेनिश चित्रकार नहीं है पूछा है? जोसेफ दी रिवेरा या फिर जुर्बना या फिर वेलास्के या फिर जुब्रा, क्या होगा, 43? चलिए आंसर की बात कर लेते हैं, ऑप्शन डी होगा, यह है फिलियो जुबर। ठीक है, याद रखना। से लगे या फिर जुड़े तोरण द्वार कहाँ पाए जाते हैं? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क करिए, स्टार लगा लीजिए। बताइए क्या होगा, 44? ऑप्शन ए यह है अटाला मस्जिद, जौनपुर। अच्छा, अटाला मस्जिद को किसने बनवाया था बताइए, मतलब कौन से शासकों ने बनवाया था, मालूम है किसी को? बताइए जग निवास कहाँ बना हुआ है? हाँ, डेली क्लास चलती है शाम को 7 बजे। ठीक है, 7 बजे वाली क्लास आपकी बिल्कुल ऑफ नहीं होती है, अगर बहुत मुश्किल हुआ, कोई त्योहार पड़ गया तभी कभी बंद होती है, वरना आपकी 7 बजे वाली क्लास तो जिंदाबाद है। हाँ, 45 का आंसर बिल्कुल सही दिया है आपने, वेरी गुड, उदयपुर। ठीक है, आगे, विश्व प्रसिद्ध फरोह अखनातेन की मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई थी? बक, मायरॉन, यूमारीज, एरिस्टोफोन। 46, हमारी क्लासों को रिवाइज भी करते रहिएगा, ठीक है, जितना पढ़ाते हैं। हाँ, ऑप्शन बी ये है मायरॉन। ठीक है, आगे चलते हैं। बिहू कहाँ का है? बिहू पूछा है, ऑप्शन ए ये असम का है। ठीक है, आगे, तिरुपति मंदिर कहाँ पर है? तिरुपति मंदिर पूछा है, तो ये तो बहुत सिंपल है ना,
आपके आंध्र प्रदेश के नागार्जुन कोंडा में है, ठीक है, याद रखना है ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, पुरी जिले में स्थित कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसको किसने बनवाया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है तो सीधे इस पे आंसर ही कर लेते हैं क्योंकि सभी को आता है, गंगवंशी नरसिंह देव फर्स्ट ने करवाया था, ये याद रखना है, ठीक है, सिंपल सा था इसलिए इसको भी आगे बढ़ाते हैं। पूछा जा रहा है श्रवण बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा किसने बनाई है, ये भी बहुत सिंपल है, इस पर भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्टली आंसर बताते हैं, जो सिंपल सिंपल है जो आप लोगों को आते हैं वो हम सीधे स्किप करते हैं, ऑप्शन बी होगा चामुंड राय ने, ठीक है। आगे, लोथल जहां से सिंधु घाटी सभ्यता के समय के गोदी मिली है ये कहां स्थित है, लोथल बता दीजिए आप लोग, देखें आप लोगों को गलत होता है कि नहीं होता है, हाँ बताइए क्या होगा, 50 शाबाश आप लोगों का बढ़िया है आंसर, ये आपका काठियावाड़ अहमदाबाद में पड़ता है, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा गुजरात में। नेक्स्ट है, सूरज कुंड का विश्व प्रसिद्ध शिल्प मेला कहाँ लगता है, सूरज कुंड आ गया, आप लोगों ने पढ़ा होगा हरियाणा में लगता है ये सूरज कुंड का मेला, ठीक है, अभी ये करंट में भी चर्चा में था, ऑप्शन ए होगा हरियाणा, ठीक है। चंडीगढ़ शहर को किसने डिजाइन किया है, बहुत सिंपल सिंपल आ रहे हैं, अब कोई भी गलत किया ना तो सच में बिल्कुल लाल हो जाओगे, बिल्कुल सही सही करना है आंसर, 53 इस डिजाइन पूछी है, डिजाइनर कौन है, शाबाश, ऑप्शन ए होगा फ्रांसीसी वास्तुशिल्पी थे, ला ली कार्बूशियर थे, ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं, विश्व प्रसिद्ध रॉक गार्डन कहाँ है, बहुत सिंपल है, रॉक गार्डन पूछा है, ये है आंसर आपका, चंडीगढ़ में है, स्पीड बढ़ाए रहिए थोड़ा क्योंकि यहां से चलेंगे। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का आरंभिक मुख्यालय कहाँ है, जयपुर में था, उदयपुर में कहाँ पर था, 55, वेरी गुड, आंसर सच में बहुत धमाकेदार आ रहे हैं एंड बढ़िया तैयारी है, ऑप्शन सी कोलकाता में था, ठीक है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहाँ पर स्थित है बताइए, ड्रामा कहाँ होता है सबसे ज्यादा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ठीक है, दिवाली आने वाली है सबसे वो कहाँ होगा, दिल्ली में। भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान कहाँ है, भोपाल, हैदराबाद, मसूरी, पूना, बताइए, 57, कल से तो नवदुर्गा स्टार्ट हो रही है ना, हाँ भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये है पूना में है, ठीक है, हाँ आगे चलते हैं। में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, लो भाई गलत शादी किसकी हो गई है, जल्दी से ढूंढो भाई किसकी दुल्हन किसके साथ गलत बैठ गई है, फटाफट से देखेंगे। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में है, बिल्कुल सही है। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली में है, ये भी सही है। एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता, ठीक है। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी मुंबई, अच्छा बताओ राष्ट्रीय ललित कला अकादमी कहाँ है, ये आंसर सही होगा, ऑप्शन डी ये गलत बैठा है, ठीक है बताओ कहाँ पर है ये। आगे चलते हैं, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है, प्रयागराज में है, उदयपुर में है, नागपुर में है, तंजावर में है, वेरी गुड, उसका आंसर होगा दिल्ली, ठीक है। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी कहाँ है, दिल्ली में, बताओ क्या होगा इसका, 59, बिल्कुल सही है, उत्तर मध्य का पूछा है, अपना प्यारा सा प्रयागराज होगा। नेक्स्ट, गणेश पाइन किस रूप में फेमस है, बता दो जल्दी से फटाफट से स्पीड में, गणेश पाइन, ऑप्शन ए पेंटर के रूप में। नेक्स्ट, जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार मानता था किसको, किसको मानते थे, ये जहांगीर की बात हो रही है, तो ये जैसे ही गिरे वैसे ही हंस दिए लोग, ठीक है, ऑप्शन सी, चलो अबुल हसन होगा, ठीक है। हम बोलती फिल्म और मूक फिल्म दोनों याद रखनी है आपको, जो बोल रही है वो है आलम आरा, ठीक है, और जो नहीं बोल रही राजा हरिश्चंद्र, तो इसका आंसर होगा आलम आरा, ठीक है। भारत में प्रथम दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था कहाँ, प्रथम दूरदर्शन केंद्र पूछा जा रहा है, स्पीड बढ़ाओ, बच्चों के तरीके नहीं चलना है, थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिए आप लोग, वेरी गुड, मजा आ रही है ना, ऐसे ही दौड़ाएंगे आपको बढ़िया मैराथन में भी, ऑप्शन बी ये है नई दिल्ली में। आगे, भारत की प्रथम मिस वर्ल्ड कौन थी, मिस वर्ल्ड पूछा है और मिस यूनिवर्स भी बता देंगे तो मजा आ जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। मिस वर्ल्ड की बात होगी तो आंसर होगा आपका रीता फारिया, अगर मिस यूनिवर्स की बात होगी तो
सेम, ठीक है, याद रखना है। और ये जो सुचेता कृपलानी है ना, ये कौन थी? सुचेता कृपलानी फर्स्ट सीएम थी, याद रखना है, ठीक है, पहली मुख्यमंत्री। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। मधुबनी कला की प्रसिद्ध कलाकार जिन्हें 2011 में भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया, बहुत इंपॉर्टेंट, बताइए। 65 स्पीड तेज तो नहीं लग रही है, ऑप्शन बी होगा, महासुंदरी देवी, ठीक है, हाँ यूपी की थी, ठीक है, सुचेता कृपलानी। बताइए लखनऊ नगर निगम गैलरी की स्थापना कहाँ पर कब हुई थी, ये पूछा है। लखनऊ नगर निगम गैलरी की स्थापना हुई थी कब? 1947, 49, 50, 75, 66, हाँ ऑप्शन बी होगा, 1949 में। नेक्स्ट, भारत का वह विश्वविद्यालय जिसका अपना कला संग्रहालय है वाराणसी, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत सिंपल भी है और सभी के जुबान में रटा हुआ है, ऑप्शन ए होगा, ये BHU वाराणसी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। भवन वाराणसी की स्थापना कब होती है, बता दीजिए जल्दी से, स्पीड में एकदम हाई फाई तरीके से। कला भवन वाराणसी की स्थापना कब होती है, ऑप्शन बी 1920 में होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, लीजिए आ गया उल्टा पुल्टा वाला, बताइए इनका सुमेल नहीं है, हम बोल देते हैं नटराज चोल के द्वारा बनवाया गया है। फिर दे रहा है कांसे की नर्तकी मोहनजोदड़ो के द्वारा, मतलब मोहनजोदड़ो से मिली, महिषासुर मर्दिनी, मामल्लपुरम, दीदार गंजी अच्छी। आंसर क्या है? आंसर आपका जो गलत है ना वो ऑप्शन डी होगा, दीदारगंज ये अच्छी प्रयागराज, ये गलत है, जबकि ये पूरे सही है, नटराज को चोलों के द्वारा, कांसे की नर्तकी मोहनजोदड़ो में, महिषासुर मर्दिनी, मामल्लपुरम, ठीक है, इसका इस तरह से मिलान हो जाएगा। फिर है SMS का पूरा नाम पूछा जा रहा है, तो इसका हम सीधे आंसर ही बता देते हैं। एस का मतलब होता है शॉर्ट, एम का होता है मैसेजिंग और एस का मतलब होता है सर्विसिंग, ठीक है, हाँ। दीदार गंजी मौर्य काल पटना, वेरी गुड, शाबाश, बहुत सही, बहुत सही, बहुत अच्छा बताया। SMS का पूरा नाम क्या होगा? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोफेसर रणवीर सिंह ने किस कला महाविद्यालय में प्रधानाचार्य पद को सुशोभित किया, किसकी बात हो रही है, रणवीर सिंह विष्ट या फिर RS विष्ट की बात कह दीजिए, तो कहां इन्होंने प्रधानाचार्य के रूप में पद संभाला है, ऑप्शन ए हो जाएगा, कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ धुंधला है इसलिए हम डायरेक्टली आंसर ही बता रहे हैं, ठीक है। आगे है गणेश जननी किस कलाकार की प्रसिद्ध रचना है, गणेश जननी पूछी है एंड बिल्कुल सिंपल है, गणेश जननी शायद हमने कल भी पढ़ाया है, ये आंसर होगा रवींद्रनाथ टैगोर, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित इंपॉर्टेंट है, फ्लेमिश चित्रकार कौन, जो ये पीटर पाल रूबेंस है ना, ये आपके कौन फ्लेमिश चित्रकार हैं, याद रखना है, ठीक है, अभी सही हो जाएगा आगे चल के। चलिए यहाँ से थोड़ा सही है, सारनाथ की जो बुद्ध प्रतिमा है वो किस पत्थर से बनाई गई है, जोधपुर बलुआ पत्थर, चुनार बलुआ पत्थर, कश्मीर चूना पत्थर, मद्रास ग्रेनाइट से, सारनाथ बुद्ध प्रतिमा, हाँ बहुत बार पढ़ा हुआ है आपका, चुनार बलुआ पत्थर से, ठीक है। आगे आतंकवाद श्रृंखला जो कि तेल माध्यम में बनती है, इसके चित्रों को किसने बनाया था, बताइए। 75 बहुत सही मेरे हीरो एंड हीरोइनों, बहुत अच्छा बता रहे हैं, आतंकवाद श्रृंखला, बिल्कुल आंसर है आपका ऑप्शन ए, RS विष्ट, ठीक है। आगे बताइए ठेठ भारतीय पद्धति से चित्र पहले चित्रकार कौन है, 76 स्पीड बढ़ाओ, एकदम दौड़ लगाओ, हवाई जहाज की तरीके उड़ना है, हाँ ऑप्शन ए यामिनी राय, ठीक है। विसर्जन 1925 ईस्वी जल रंग से बनता है, ये चित्र किसका है, बताइए, आंसर होगा विसर्जन की बात है, तो ये गगनेंद्र टैगोर हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड, आंसर आपके सच में बहुत अच्छा है। बताइए कांथा जो लोकता है ये कहाँ प्रचलित है, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, हरियाणा में, कांथा बहुत बार पढ़ा है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है, हाँ स्पीड बढ़ाए हुए हैं आप लोग, बहुत अच्छी बात है। चलिए
बताइए, पूछा जा रहा है MF हुसैन के द्वारा चित्रित भारत माता की नग्न तस्वीर को किस पत्रिका ने अपने कवर पेज पर छापा था। बहुत इंपॉर्टेंट, मजा आ रही है ना, बढ़िया ऐसे ही दौड़ लगाने में। भारत माता को कहाँ छाप दिया गया था, इंडिया टुडे में, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे, अवनींद्रनाथ टैगोर की कलाकृति आउल एंड बर्ड ये किस माध्यम में है, ये तो खूब पढ़ा है आप लोगों ने, है ना, आप ही लोगों से रिलेटेड है। चलिए ऑप्शन ए कास्ट, आगे चलते हैं, लकड़ी में बनी है, ठीक है। आगे है, अजंता से एलोरा की दूरी कितनी है, ये भी खूब पूछा जाता है, तो ये तो सभी को रटा है कि 100 किलोमीटर पे है अपनी अजंता और एलोरा। अजंता के लिए क्वेश्चन है कि मतलब एक ही राज हुआ है ये पहाड़ी। बताइए, शिव के अर्ध नारीश्वर रूप का चित्र कहाँ मिलता है, ये अच्छा क्वेश्चन है, बताइए 82। हाँ, सभी लोग आएंगे आंसर पे, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, शाबाश, आंसर बहुत सही है, आंसर है आपका सित्तनवासल, ठीक है। आगे, मेवाड़ चित्रित ग्रंथ है सोपानसनाहचर्यम, इसका रचना काल पूछा जा रहा है आपसे, 1433 है, 23 है, 50 है, 68 है, क्या है आंसर। 83, सोपानसनाहचर्यम का रचना काल पूछा है, वेरी गुड, ऑप्शन बी ये है 1423। आगे, मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा है, बता दीजिए आंसर। मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र, ऑप्शन याद रखना है, ये है उदयपुर, ठीक है। हमने आपको ट्रिक भी बताई थी, DUN, डी से देवगढ़, यू से ऐसे, मतलब पूरी आपको पढ़ाई हुई थी। आगे चलते हैं, बताइए इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, आज तो बहुत गलत बैठे हुए हैं लोग, जल्दी से इनको अलग करिए। हाँ, उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़, वेरी गुड, इसको बताइए 85 का क्या है, सुमेलित नहीं है, कौन कौन गलत बैठ गया है, जल्दी से अलग करो। वेरी गुड, ऑप्शन डी ये है भीमबेटका, BN गोस्वामी इन्होंने नहीं की, ठीक है। मिर्जापुर क्षेत्र की जो कैमूर पहाड़ियां हैं इसको कार्लाइल ने, बेलारी को एफ फासेट ने, सिंघनपुर को CW एंडरसन ने, लेकिन भीमबेटका को किसने, जल्दी से बताओ, जल्दी से किसने, भीमबेटका वाकड़कर 1958, वेरी गुड, शाबाश, बहुत सही, ठीक है, चलिए इन्हीं ने खोजा था, ठीक है। आगे चलते हैं, सित्तनवासल गुफा है कहाँ पर, केरल में है, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में, कुछ नहीं चल रहा, कभी कभी रुक जा रहा है, रुक रही है क्या क्लास, क्लास रुक रही है, हाँ आंसर होगा बी तमिलनाडु, का बहुलता से प्रयोग किया गया है। मैम मेरा नेट नहीं चल रहा है, अच्छा चलिए, पाल शैली, अपभ्रंश शैली, बाघ शैली, अजंता शैली, हो सकता है नेट की प्रॉब्लम आ रही हो, वैसे चल तो रहा है इधर से सही सब। चलिए आंसर की बात करते हैं, आलेखन कला का जो बहुलता से, अच्छा लो है, चलिए आंसर की बात करते हैं, आंसर होगा आपका अजंता शैली, ठीक है, अब आराम आराम से चल रहे हैं, ठीक है। चलिए, बारहमासा चित्रण कौन सी शैली में अधिक हुआ है, राजपूत, बताइए 88। बारहमासा चित्रण आप लोग देखेंगे पहाड़ी में होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, बड़े आकार में पाबूजी के पड़, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल, पड़ जहां से देखने को मिल जाए राजस्थान आपको टिक करना है। नेक्स्ट, राजस्थान में भी कौन सा क्षेत्र, बताओ जल्दी से, बिहारी सतसई का सर्वप्रथम चित्रण किस स्थान पर है, अब बताइए, ये दो तीन क्वेश्चन में अटकी है क्या क्लास, अब जो क्वेश्चन चले आगे उसमें बताइएगा कि क्लास अटक रही है या फिर नहीं। हाँ वेरी गुड, भीलवाड़ा, ठीक है, भीलवाड़ा राजस्थान का, ठीक है, याद रखना है। बिहारी सतसई का जो सबसे पहले चित्रण किया है वो जयपुर में, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब अगर अटके तो बताइएगा, ठीक है, फिर हम देखते हैं उसको। कोटा के उत्कृष्ट भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं झाला, माधव, सिटी पैलेस, जय निवास स्थान में, अभी भी रुक रही है,
एक तो ये नेटवर्क को पता नहीं क्या हो जाता है इतने ही टाइम। हाँ आंसर होगा ऑप्शन ए, ये है झाला पैलेस में। बूंदी शैली में प्रसिद्ध कौन है? चलिए बूंदी शैली में क्या प्रसिद्ध है? ये है स्नान के दृश्य। ठीक है आगे चलते हैं। चित्रण कहाँ हुआ है? बीजापुर, किशनगढ़, मेवाड़, जयपुर। 93 बनी ठनी, ऑप्शन बी किशनगढ़। फर्स्ट कर फास्ट चल रही है। चलिए अकबर का प्रिय चित्रकार कौन था? बेहजाद, अब्दुश्यमत, मीर सैयद अली, दसवंत। बीच में हो सकता है कि नेटवर्क की प्रॉब्लम हो, अब सही है। ठीक है अकबर का पूछा जा रहा है तो अकबर कौन? अब्दुस्समद। ठीक है ऐसे याद कर लीजिए ट्रिक से, अकबर के अब्बू, अकबर अब्बू एक जैसे नाम लग रहे हैं ना। ठीक है आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहती है इसलिए थोड़ा सा बता देते हैं साथ में। हुमायूं और अकबर ने किससे चित्रकारी सीखी थी बताइए? हाँ बिल्कुल ऑप्शन बी ये अब्दुस्समद से। नेक्स्ट अकबर कालीन सर्वोत्तम कृति कौन सी है? बाबरनामा, अकबरनामा, अनवर ए सुहेली, तूती नामा। 96 ऑप्शन बी ये है अकबरनामा। ठीक है आगे चलते हैं। मुगल कालीन चित्रित रामायण कहाँ सुरक्षित है? बताइए कहाँ है, जयपुर, डबलिन, पटना या फिर नई दिल्ली। 97 रामायण बिल्कुल ऑप्शन ए ये है जयपुर में। ठीक है आगे चलते हैं। अकबरी चित्रों में भारी बताइए पूछा जा रहा है अकबरी चित्रों में भारतीयता का पुट भरने का श्रेय किस कलाकार को है? 98 हर जगह अब्दुस्समद आंसर नहीं होगा। हाँ वेरी गुड आंसर है आपका ऑप्शन ए ये है दसवंत। ठीक है आगे चलते हैं। किस अकबरी चित्रकार ने 1584 ईस्वी में पागल होकर आत्महत्या कर ली थी? किसने की थी? नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है। अच्छा रुकिए एक सेकेंड रुकेंगे सभी लोग। ठीक है हम अभी जुगाड़ करते हैं। अब आ रही है आवाज क्लियर? 1584 ईस्वी में पागल होकर जो आत्महत्या की है हाँ वो की है दसवंत ने। ठीक है अब सही चलेगा, हमने चेंज कर दिया उसका। हाँ ठीक ठीक चल रही है। बताइए भारत का प्रथम चित्राचार्य किसे माना जाता है? नग्नजीत, रवि वर्मा, नंदलाल बोस। हाँ 5G है, बीच बीच में अटक जाता है बीच में। बताइए इसका क्या होगा? 100 प्रथम चित्राचार पूछा जा रहा है, ऑप्शन ए नग्नजीत। ठीक है आगे पूछा जा रहा है क्रीटन माइसिनियन सभ्यता किस युग से संबंधित है? पाषाण युग, ताम्र युग, कांस्य युग, ताम्राश्म युग। करेंगे सभी ऑप्शन सी ये है कांस्य युग। वेरी गुड। भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी खुली थी कहाँ? दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, कलकत्ता। 102 पहली विज्ञापन एजेंसी है ऑप्शन बी होगा ये मुंबई में। ठीक है आगे बढ़ते हैं। शास्त्रीय कला में किस देवी को अंधी दिखाया गया है? नाइकी, टाइकी, निक्स, अप्रोदिति। अंधी पूछा है, आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन सी ये है निक्स। ठीक है आगे पेंटेड हैंगिंग्स किस क्षेत्र में मिलती है? गोवा, मसूलीपट्टनम, बीजापुर, कोलकाता। 104 वेरी गुड ऑप्शन बी होगा यह है मसूलीपट्टनम। ठीक है बीजापुर के दरबार में कौन सा मुगल चित्रकार रहता था? बीजापुर के दरबार में बताइए ऑप्शन डी यह है फारूक बेग। ठीक है आगे बाबर द्वारा भारत में लाई गई जो शाहनामा की एक सचित्र प्रति है वो वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? बताइए 6 का क्या होगा? शाबाश आंसर आपके बढ़िया आ रहे हैं, बहुत अच्छा।
ऑफलाइन वालों जो भी देख रहे हो ऑनलाइन वालों से टक्कर करो कि आप लोग आगे निकल जाओ। हाँ बताओ जल्दी से, 106 का क्या है? ऑप्शन ए, ये है एशियाटिक सोसाइटी लंदन में। ठीक है, बताना है आदि मानव चित्र बनाने के लिए किस रंगों का प्रयोग किन रंगों का प्रयोग करता था। आदि मानव जो है चित्र बनाने के लिए किन रंगों का यूज होता था। बिल्कुल आंसर है आपका ऑप्शन सी, ये है खनिज। ठीक है, आगे प्रसिद्ध सिरेमिक हनीबा कहाँ से संबंधित है। हनीबा कहाँ से संबंधित है, तो आपने पढ़ा होगा जापान से है, यहाँ थोड़ा धुंधला है इसलिए सीधे आंसर बताते हैं। फिर है नेफर्टिटी की मूर्ति किसके शासनकाल में निर्मित होती है, बताइए। आंसर क्या होगा, ये है अखनाथेन, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोणार्क स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण कौन सी शताब्दी में होता है, तो ये आप लोगों को पता है, सूर्य मंदिर की बात हो रही है। आंसर होगा ये है ऑप्शन सी, ये है 13वीं शताब्दी में होता है। हमें लग रहा है बहुत नेटवर्क की आ रही है दिक्कत। तांत्रिक चित्रकार कौन है, आंसर क्या होगा, वी एस गायतोंडे हैं, के हैब्बर हैं, जी आर संतोष हैं, विवान सुंदरम हैं। बताएंगे सभी लोग 111 का क्या है, तांत्रिक चित्रकार पूछे हैं आपसे, तांत्रिक। बिल्कुल आंसर होगा जी आर संतोष। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सिरेमिक का मतलब क्या होता है। सीमेंटेड टाइल्स, अग्नि में पकाया हुआ मिट्टी का पात्र, मृतिका मॉडल, निर्मित खिलौने। 112, वेरी गुड, ऑप्शन डी, ये है अग्नि में पकाया हुआ मिट्टी का पात्र। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संग्रहालय कोलकाता की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, 1814 में, 1854 में, 1954 में, 1920 में, कब होती है, आंसर बताइए। कोलकाता की पूछी जा रही है, वेरी गुड। क्लास पसंद आ रही है ना, तो लाइक वाइक कर दीजिएगा। ठीक है, ऑफलाइन क्लास भी कराती हैं क्या मैम? अरे ऑफलाइन की बात कर रहे हैं, मतलब जैसे आप लोग ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं, बाद में कुछ बच्चे ऑफलाइन देखेंगे, मतलब इसी क्लास को, उनके लिए बोल रहे हैं, ऑप्शन ए। ठीक है, ब्लैक पॉटरी के लिए जाना जाता है मिर्जापुर को, ब्लैक पॉटरी पूछा है, सिंपल क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से, स्पीड। ऑप्शन बी ये है खुर्जा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, एक सेकेंड, ये खुर्जा सिनेमिक अनुसंधान है, ये तो ब्लैक पॉटरी पूछा है, निजामाबाद होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, हाँ ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वॉन गॉग के जीवन पर आधारित पुस्तक का नाम क्या है, बताइए। माई आर्ट, लस्ट फॉर लाइफ, मी एंड माई ब्रश, इंप्रेशनिज्म एंड आर्टिस्ट, क्या होगा। 115, ऑप्शन बी लस्ट फॉर लाइफ हो जाएगा। आगे चलते हैं। वर्ष 1978 ईस्वी में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स के उपलक्ष्य में कॉमनवेल्थ प्रतिमा का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका निर्माण किसने कराया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। 116, हाँ देखो पटाखे छूटने लगे, अभी दिवाली नहीं आई है, पटाखे ऐसे ही फोड़ेंगे ये लोग खोपड़ी में। चलिए ऑप्शन बी ये है बलवीर सिंह कट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ये लोग हमारे खोपड़ी में फोड़ रहे हैं, हम लोग इनकी खोपड़ी में सिलेक्शन लेकर फोड़ेंगे। ठीक है, चलिए पूछा जा रहा है मशीन का नृत्य शीर्षक से जो फिल्म किस घनवादी कलाकार ने बनाई है, ये पूछा जा रहा है। पिकासो, लेजे, ग्रीस, ब्रॉक। 117, मशीन का नृत्य शीर्षक फिल्म से किस घनवादी कलाकार ने फिल्म बनाई है, ये बनाई है लेजे ने। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा लेजे। नेक्स्ट है, भारत कला भवन वाराणसी के प्रथम एवं आजीवन सभापति कौन थे। रविन्द्रनाथ टैगोर, रायकृष्ण दास, वाचस्पति गैरोला, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल। हाँ सारे क्वेश्चंस जितने भी पढ़ाए जा रहे हैं सारे एकदम एक से बढ़ के एक हैं और सारे इंपॉर्टेंट हैं, और हमारी पूरी कोशिश है कि जितने भी हम क्वेश्चन कराएं उन्हीं में से आपके फंस जाएं। ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, हम सारी बुक्स करवा देंगे, क्वेश्चन जा ही नहीं पाएगा बाहर। सबसे बड़ा संग्रहालय भारत का कौन सा है, ये पूछा जा रहा है आपसे, बताइए। 19 का क्या होगा, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय, हाँ ऑप्शन बी होगा, ये है भारतीय संग्रहालय कोलकाता। ठीक है,
आगे चलते हैं। एलोरा की किस गुफा को इंद्रसभा कहा जाता है, बताइए। 30, 31, 32, 33। इंद्रसभा पूछा है, हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा, 32। नेक्स्ट, नग्नजीत का चित्र लक्षण कहाँ से प्राप्त होता है, नेपाल, तिब्बत, इंडोनेशिया, भारत, बताइए। 121 क्या होगा आंसर, व्हाट विल बी आंसर। आंसर की बात करेंगे, चित्र लक्षण की बात हो रही है, ऑप्शन बी ये है तिब्बत से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू पीडास शीर्षक से चित्र किसने अंकित किए हैं, अमृता शेरगिल, बताइए। हाँ जल्दी से सभी लोग क्लास को लाइक करेंगे अगर थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो, ठीक है, वरना कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन अगर पसंद आ रही है तो करने में देरी मत करिए। चलिए, हाँ आंसर होगा आपका फ्रीडा कोहलो, ठीक है, ऑप्शन बी। के वेंकटप्पा का जन्म कहाँ होता है, 123, हाँ ये दिल को भी उड़ाते रहिए बीच बीच में, अच्छा लगता है, उड़ना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ पसंद आ रही है सभी को। हाँ वेंकटप्पा की बात हो रही है तो ये मसूर की दाल ज़्यादा खाते थे, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रथम अध्यक्ष कौन है, बताइए। 124 पे आइए जल्दी से, फटाफट से, वेरी गुड, सभी के आंसर एक से हैं, बहुत सही, हाँ ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आंसर की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, लास्ट क्वेश्चन है, जोधा भाई किस मुगल सम्राट की पत्नी थी। वाह कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, पत्नियां तो आप सभी को रटी हुई हैं, चाहे जिसकी पत्नी का नाम पूछ लो आप लोगों को रटा हुआ होगा, है ना। हाँ तो चलो बता दो जल्दी से, जोधा भाई किसकी पत्नी थी, शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए ये है अकबर की पत्नी। ठीक है, अभी शाहजहां की पूछ लेंगे तो तुरंत बता देंगे आप लोग, जहांगीर की पूछ लेंगे तुरंत बता देंगे, औरंगजेब की तो पता नहीं बता पाए ना बता पाए, सबकी पत्नियों का नाम पता है आपको, है ना। चलिए तो 125 क्वेश्चन हो गए हैं, चलिए हंसी कर रहे थे, ठीक है, चलिए 125 क्वेश्चन हो गए हैं, अब आपको ये बताना है कि कितने क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं। चलिए हाँ लाइक कर दीजिए, चलिए सभी लोग, बहुत अच्छी क्लास थी। चलिए, औरंगजेब की पत्नी का क्या नाम था, देखा औरंगजेब की पत्नी में अटक गए क्योंकि उस पे, अरे भगवान, ये लोग खोपड़ी और कोड़े हैं पटाखा। चलिए कुछ क्वेश्चंस पूछिए, अब आज रहने देते हैं, 125 क्वेश्चन हो गए हैं, हम थक गए हैं बैठे बैठे। मैम भीतर गांव टेम्पल जो स्थित है, ईंटों का बना है, भीतर गांव कानपुर का, हाँ चलो बता दो, यही क्वेश्चन बता दो, चलो सभी लोग बताएंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, ठीक है, जो बाद में देखे क्लास वो भी बताएगा साथ में। भीतर गांव का जो मंदिर है वो किस भगवान को समर्पित है, जल्दी से छाप दो आंसर, जल्दी से बताओ फटाफट से। चलो मैम जी आप कहाँ से हैं, हम इसी पृथ्वी लोक से हैं, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से। हाँ बता दो जल्दी से, भीतरगांव का जो मंदिर है वो किस देवता को समर्पित है, कोई का आंसर नहीं आया है अभी तक। हाँ कानपुर में है, ठीक है कानपुर में है, ये तो पता है। अच्छा किसको समर्पित है, चलो सभी लोग आज आंसर करके कमेंट में बताएंगे, ठीक है, और साथ में ये भी बताएंगे औरंगजेब की पत्नी का नाम क्या था, ठीक है, औरंगजेब की पत्नी का नाम क्या था ये भी बताएंगे, ठीक है, दोनों का आंसर आप लोगों को बताना है नीचे कमेंट बॉक्स पे। हाँ लक्ष्मण जी को समर्पित है कि विष्णु जी को, चलो दोनों ऑप्शन में है, इन्हीं में आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स पे, ठीक है। हाँ चलिए चलिए फिर, क्लास कैसी लगी सभी को फटाफट से बताएंगे, और देखिए कल, कल की बात सुन लीजिए, कल क्या है। मैम मेरा दिमाग खराब हो गया, मेरा नेट नहीं चल रहा है, बहुत दिमाग खराब होता है जब नेट नहीं चलता है, डिब्बा लगता है फोन पर। चलिए कल की बात कर लें, कल शाम को 7 बजे क्लास है आपकी, कौन सी क्लास है, ये क्लास होगी आपकी दहाड़ क्लास, कौन सी दहाड़ क्लास होगी, एक सेकेंड हम दिखा ही देते हैं, ठीक है।
देखिए ये आपके सामने वो भी लगा दिया है हमने, दहाड़ क्लास के नाम से क्लास चलेगी। तो आप सभी को कल शाम को 7 बजे उपस्थित होना है और ये क्लास लगातार 4 घंटे की होगी, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं या फिर करवाए जा चुके हैं उनका रिवीजन यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा, ठीक है। मैम बीपीएससी के लिए ये सब क्लास सही है, मैं ये क्लास ले सकती हूँ? बिल्कुल शबनम जी, बिल्कुल ले सकते हैं। हमने आपको बताया था कि जितने क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं यहीं से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। हाँ मैम, हेल्पफुल क्वेश्चन एंड क्लास। चलिए मैम आप ही बता दीजिए औरंगजेब की पत्नी का नाम। नहीं, हम नहीं बताएंगे, आपको सभी की पत्नियों का नाम पता है तो औरंगजेब की पत्नी का नाम भी आप ही खोज के लाइएगा, ठीक है। वैसे काफी लोगों के आ रहे हैं आंसर। हाँ चलिए चलिए फिर क्लास ऑफ करते हैं और क्लास को शेयर वगैरह भी करते रहा करिए आप लोग, ठीक है। हाँ कल शाम को चलेगी यही क्लास, चलेगी दहाड़ क्लास, ठीक है। शाम को 7 बजे चलेगी तो सभी को जुड़ना है, ठीक है। चलिए ऑफ करते हैं।